गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर के बारे में, आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज आते हैं। कंप्यूटर को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कुछ और भी बातें, ताकि हम समझ सकें कंप्यूटर से भी पहले क्या था, कैसे हुआ, क्या करना पड़ा, उन सब के बारे में भी जानना होगा। तो हमारी ये बुक है टेक्नोपीडिया, जिसका हम लोग पार्ट वन पढ़ेंगे। यही हमारा कंप्यूटर का बुक है, जिसका पहला चैप्टर है कंप्यूटर ए मैन मेड मशीन। अब कंप्यूटर है और ये मैन मेड मशीन है, इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे चारों ओर दो तरह के चीजें होती हैं। हम अपने सराउंडिंग में जब हम देखेंगे, आसपास देखेंगे, तो हर एक चीज को, जो भी चीज है, उसको दो कैटेगरी में, दो चीजों में बांटा गया है। एक पहला है आपका नेचर, जिसको प्रकृति ने बनाया है, जो हम लोग देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, है ना। तो ये सब नेचर के द्वारा दिया गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने बनाया है। जैसे हमने अपना मकान बनाया है रहने के लिए, है ना, और भी बहुत सारे कुछ, जैसे साइकिल बनाया है, जैसे कंप्यूटर बनाया है, टेलीविजन बनाया है, रेफ्रिजरेटर बनाया है, फैन बनाया है, मोबाइल बनाया है। तो ये सब जो चीजें हैं वो मैन मेड है, मतलब हम लोग के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि आविष्कार किए गए हैं। मतलब हम लोग को कोई भी काम करने में यदि दिक्कत हो रही है, या फिर कोई भी चीज ऐसा है जो बार बार हमको करना पड़ रहा है, तो हम उस चीज के लिए एक ऐसा मशीन बना ले रहे हैं जो वो काम करता रहे। जैसे साइकिल आने से पहले भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो उसके लिए हम लोग को बार बार एक जगह से दूसरे जगह जाने में हम लोग को परेशानी होता था। तो हम लोगों ने एक मशीन बना लिया, साइकिल, जिससे हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। हम लोग को गर्मी लगता था, तो हमने क्या बना लिया, फैन, जिससे क्या हुआ कि हम लोग को ठंडा हवा मिलने लगा, है ना। तो जैसे जैसे इंसान की, हम लोग की आवश्यकता पड़ती गई, उसी तरीके से हम लोग अलग अलग चीजों को बनाते गए, आविष्कार करते गए। तो जो हम लोगों ने बनाया है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, उन चीजों को, वो उसको कहते हैं हम लोग मैन मेड थिंग्स। ये मैन मेड थिंग्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं लेकिन और मशीन भी बनाते हैं, मतलब कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, कुछ चीज बनाते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो वैसा चीज जो हम लोग बनाए, जिसका यूज हम अपने काम को आसान कर, जिसका यूज करके हम अपने वर्क को आसान कर सके, हम अपने काम को आसान कर सके, हम सही तरीके से कर सके, एक्यूरेसी के साथ कर सके, हम तेजी से उस काम को कर सके, है ना। पहले भी हम वो काम करते थे, लेकिन उस काम में तेजी लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, मतलब शुद्धता, मतलब सही सही होने के, करने के लिए, है ना, लगातार उस काम को करने के लिए, इसके लिए क्या किए हमने, हमने बहुत सारे मशीन बनाए, है ना, बहुत सारे चीजें बनाई, जिसमें साइकिल है, बहुत सारा चीज है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपका फैन है, कूलर है, एसी है, आपका रेफ्रिजरेटर है, सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, है ना। तो ये सब बहुत सारे मशीन आप लोग घर में भी देखते होंगे, है ना, जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में
करते हैं। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं कि मशीन है क्या। तो मशीन आर मैन मेड थिंग्स, मशीन जो है आदमी हम लोग के द्वारा बनाया गया चीज है ना, हम लोग बनाते हैं इसको। किस चीज के लिए? हम अपने काम को आसान करने के लिए। मशीन मेक्स आवर वर्क इजियर एंड बेटर, मतलब कि हम मशीन जो है क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है और बेहतर तरीके से करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप अच्छे से लिखिए, सुंदर से लिखिए, तो आप मशीन का यूज करके क्या कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मशीन का यूज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे आप अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक मशीन का यूज करके ही देख रहे हैं, और वो मशीन का नाम है मोबाइल या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है ये, है ना। तो इससे क्या हुआ, आपकी पढ़ाई आपके घर बैठे हो गई, तो आपका काम आसान हुआ ना, आपको घर नहीं जाना पड़ा, है ना, आपको सॉरी स्कूल नहीं जाना पड़ा, है ना, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ा, आप घर बैठे बैठे मशीन का यूज करके क्या कर लिए, अपना काम कर लिए। तो आपका काम क्या हुआ, आसान हुआ। किसका यूज करके? मशीन का यूज करके। और ये मशीन किसने बनाया है? मैन ने बनाया है, मतलब ह्यूमन मेड है, मैन मेड थिंग्स है ये, क्लियर। अब दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द मशीन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, मतलब जो भी मशीन है उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, टेलीविजन यूज कर रहे हैं, तो सबको काम करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए, है ना, मशीन चाहिए। तो अब जो है देखिए, जैसे देखिए ये जो है मशीन, व्हाट आर मशीन, तो मशीन आर मैन मेड थिंग्स, है ना, आदमी के द्वारा बनाया गया है। मशीन मेक्स आवर वर्क इजियर एंड बेटर, मशीन हमारे काम को आसान करता है और बेहतर तरीके से करता है। मोस्ट ऑफ द मशीन नीड इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर सकता है मशीन। हमारे यहाँ बिजली चली जाती है तो देखते हैं ना, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता है, हम लोग बल्ब नहीं जला पाते हैं, हम लोग फैन नहीं चला पाते हैं। तो ये सब जो भी मशीन है सबको काम करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। जब बिजली रहता है तभी ये सब मशीन काम करता है। मशीन सेव्स आवर टाइम, मशीन हमारे टाइम को बचाता है। कैसे बचाता है? जैसे अब हमें हवा चाहिए तो हम लोग हैंड फैन का यूज करेंगे, और एक है सेलिंग फैन का, ऊपर में फैन जो लगा हुआ है उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा कि फैन का यूज करते करते हम लोग थक जाएंगे, प्लस ज्यादा हवा नहीं मिलेगा मतलब हैंड फैन से, लेकिन सेलिंग फैन से क्या होगा, एक हवा लगातार मिलता भी रहेगा, ज्यादा हवा भी मिलेगा और बेहतर महसूस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से, इस तरीके का छोटा छोटा मशीन का यूज करके हम लोग अपने काम को आसान करते हैं, बेटर बनाते हैं, क्लियर। अब देखिए कि हमारे सामने कौन कौन सा मशीन है, हम तो अभी बताए, नाम बताए, जो घर में यूज होने वाला मशीन है, जो आप घर में देखते हैं। जैसे ये क्या है, कौन सा मशीन है, आप जानते होंगे, बताइए नाम। हाँ, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये कौन सा मशीन है, नाम बताइए। टेबल लैम्प, ये है टेबल लैम्प, ये है आपका रेफ्रिजरेटर। और ये क्या है, इसको हम लोग जेसीबी के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, बहुत भारी भारी चीजों को उठाने का काम करता है, लिफ्ट करने का काम करता है। और इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, ये है हमारी कार, है ना। तो ये सब क्या है, आपका मशीन है। और ये सब को किसने बनाया है, मैंने बनाया, हम लोगों ने बनाया है, है ना। ए बाइसिकल इज ए मशीन, इट हेल्प्स टू ट्रेवल, इट डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। लेकिन कुछ ऐसा भी मशीन है जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, काम करने के लिए कोई बिजली नहीं चाहिए। जैसे आपका साइकिल, साइकिल में कहां कोई बिजली लगता है, नहीं लगता है। जैसे आपका सिलाई मशीन, सिलाई मशीन जब आप चलाते हैं
तो उसमें भी कोई बिजली नहीं लगता है, लेकिन वो हमारे काम को आसान कर रहा है, अच्छे से कर रहा है ना। तो इस तरीके का बहुत सारा मशीन है जो बिना बिजली के भी काम करता है ना। और एक और मशीन के बारे में देखते हैं, ये कौन सा मशीन है। मॉनिटर भी कह सकते हैं, टेलीविजन भी कह सकते हैं। पहले टेलीविजन के बारे में जान लेते हैं। ए टेलीविजन इज ए मशीन, इट हेल्प टू वॉच मूवी, इट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। लेकिन टेलीविजन एक ऐसा मशीन है जिसको काम करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। आजकल ये मॉनिटर की तरह ही दिखता है, इसी में हम लोग कंप्यूटर भी जोड़ते हैं, इसीलिए इसको हम मॉनिटर बोले थे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जान गए कि हमारे चारों ओर दो तरह के चीज पाए जाते हैं, एक नेचर के द्वारा बना हुआ है ना, और दूसरा जो है ह्यूमन मेड, मतलब हम लोग के द्वारा बना हुआ है ना। तो जैसे साइकिल जो है हम लोग बनाए, ये भी क्या है, एक मशीन है। ठीक है, लेकिन नेचर का द्वारा कौन कौन सा चीज बना हुआ है, जैसे ट्रीज, माउंटेन्स, है ना, ये सब, नदी, पेड़ पौधे, झरने, ये सब नेचर ने बनाया है ना। अब जो है आपको बताए थे मशीन क्या है, जो मैन मेड थिंग्स है। मशीन आर मेक आवर वर्क इजियर, हमारे काम को आसान करता है और बेटर करता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मशीन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, अधिकांश मशीन बिजली से चलते हैं, लेकिन सारे मशीन नहीं कह सकते हैं। जैसे हम आपको बताए कि आपका साइकिल भी एक मशीन है, लेकिन उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत नहीं होती है। और जैसे सिलाई मशीन भी ऐसा ही एक मशीन है, लेकिन ये सब मशीन है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये जो है आपका डीजल से चलता है, ये पेट्रोल से चलता है ना। तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब अलग अलग चीजों से चलता है, हर एक चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलता है, ये भी जान लीजिए है ना। तो अलग अलग चीजों से चलता है, तो इसके बारे में हम लोग आज जान गए। अब देखते हैं हम लोग को करना क्या है। जब इसके बारे में जान गए तो आपको एक कॉपी में इसको बनाना है, इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या कह रहा है। कलर द करेक्ट ऑप्शन दैट ईच मशीन डज वन हैज बीन डन फॉर यू। मतलब ये मशीन क्या, ये भी बस, ये क्या है, एक बस है ना, ये क्या है, एक बस है। और ये बस क्या करता है, मूवी आपको देखते हैं इससे नहीं, क्या आप फूड बनाते हैं इसे नहीं, इट हेल्प्स टू ट्रेवल, ये जो है आपको मदद करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है ना। चलिए तो अगला अब हम देखते हैं क्या है आपका, ये क्या है, आप नाम जानते होंगे, ये है आयरन। तो आयरन है तो हेल्प टू आयरन क्लॉथ्स, हेल्प टू कुक फूड, टेक्स यू टू प्लेस, मतलब आपको खाना बनाने में मदद करता है, या एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, या फिर आपको क्या करता है, आयरन क्लॉथ्स, मतलब ये जो है क्लॉथ्स को आयरन करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, कलर कर दिए। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में भी बना लीजिएगा। उसी तरह से ये कैलकुलेटर क्या करता है, आपको मूवी देखता है, दिखाता है, या कैलकुलेशन का काम करता है, या कार्टून दिखाता है। उसी तरीके से ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये फ्रूट को काटता है, या फूड को कूल रखता है, या फूड को गर्म करता है ना। तो आप जानते हैं इसका आंसर है ना, इसको आप बना लीजिएगा कॉपी में। अब जो है टिक द पिक्चर दैट आर मशीन, इसमें आपको मशीन के ऊपर टिक करना है। गाय क्या है, एक मशीन है नहीं, ये जो है मशीन नहीं है, ये क्या है आपका, रेफ्रिजरेटर, क्या ये मशीन है, तो रेफ्रिजरेटर। आप नाम लिख लीजिएगा कॉपी में है ना, कि इसमें जो है रेफ्रिजरेटर, और उसके आगे टिक कर दीजिएगा कि ये मशीन है। काउ लिख लीजिएगा और उसके आगे क्रॉस कर दीजिएगा, ये मशीन नहीं है। ये प्लांट, तो प्लांट भी क्या है, मशीन नहीं है। डॉग भी मशीन नहीं है, है ना। लेकिन आपका ये जेसीबी, ये क्या है, आपका मशीन है। ये क्या है, कार, कार क्या है बताइए, मशीन है
हाँ ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।